इंडिया न्यूज हेडलाइंस और अपडेट के वीडियो में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2019 से देश में कई ऐसे बदलाव और बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे, नए नियम कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, केनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे दोस्तों आपको ये तमाम नियम और अपडेट जान लेना है। और साथ ही मोदी सरकार का बड़ा ऐलान और अपडेट है, गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट है, उसके अलावा आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर है, और कई सारे ऐसे तमाम नए नियम जो आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भूल कर भी इस वीडियो को आप बीच में बंद मत करना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जल्दी शेयर कर देना। यहाँ पे दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आज का माइंड क्यूज वाला जो सवाल है वो स्क्रीन पर आ चुका है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इस सवाल का आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हम पिक करने वाले हैं और उन्हें एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर अपडेट के साथ साथ नए नियम वाले वीडियो की। तो पहला जो बड़ा अपडेट है वो निकल कर आ रहा है ईपीएफ विड्रॉल को लेकर। सरकार ने ईपीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और 6 करोड़ लोगों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल यहाँ पे दोस्तों बड़ा अपडेट है कि कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र के पहले 100% डिपॉजिट नहीं निकाल पाएगा। इसका अर्थ यह है कि रिटायरमेंट के पहले आप अपने पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। और एएफई के मुताबिक नए नियम के तहत अगर किसी की नौकरी 60 साल से पहले जाती है तो वो अब सिर्फ 75% फंड निकाल पाएंगे, और अभी की अगर हम बात करें तो 100% फंड निकालने की छूट है। दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नया नियम कह सकते हैं, एक गाड़ी पर पर्सनल एक्सीडेंट बीमा लिया तो दूसरी गाड़ियों पर जरूरी नहीं। जी हाँ, 1 जनवरी 2019 से नए नियमों के अनुसार वाहनों के बीमा को लेकर भी नया नियम लागू होने जा रहा है। यानी आपके पास एक से ज्यादा वाहन है तो हर वाहन के बीमा में अलग अलग पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेना होगा। यानी किसी भी एक वाहन में ये कवर लेने से बाकी वाहनों के लिए भी वह मान्य हो जाएगा। तो इससे दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीमियम के तहत बचत भी होगी और उसके अलावा आपको बार बार इंश्योरेंस लेने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं सीबीएसई 2019 को लेकर अपडेट है, छात्रों को दर्ज करानी होगी, इतनी उपस्थिति वर्णन नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ, अगर आप इस बार सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने जा रहे हैं या आपके बच्चे परीक्षा में बैठेंगे तो ये खबर आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है। इस बार 1 जनवरी 2019 तक आपकी मौजूदगी यानी 75% उपस्थिति दर्ज नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, सीबीएसई ने इस तरह का निर्देश पहली बार जारी किया है। अगर छात्र इस मानक को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के चलते ही सीबीएसई ने आंकड़ों की समय सीमा निर्धारित करी है। सभी स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजकर बता दिया गया है कि छात्रों की उपस्थिति का आकलन सत्र शुरू होने से लेकर 1 जनवरी 2019 तक होगा। इससे सीधे सीधे 15 दिन कम हो गए हैं क्योंकि पहले उपस्थिति का आंकड़ा 15 जनवरी तक गिना जाता था, लेकिन अब नए निर्देश के मुताबिक सत्र शुरू होने से लेकर 1 जनवरी 2019 तक की अटेंडेंस काउंट की जाएगी। फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होनी है और ऐसे में अपडेट जरूर जान लेना चाहिए। अगला बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, बैंक ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदलने जा रहा है बहुत कुछ। जी हां, यहां पे दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज भी है, आपके बैंक अकाउंट में 24,000 रूपए भेजेगी मोदी सरकार, भरे ये फॉर्म। जी हां, ये तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। यहां पे इस अपडेट को ले लेते हैं, 1 जनवरी 2019 से बैंक ग्राहकों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। नए साल के शुरुआत के साथ ही पुराना जारी किया गया आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। साथ ही आपको चेकबुक को लेकर भी अलर्ट रह जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नॉन सीटीएस चेकबुक जो है वो बिल्कुल यूज में नहीं आएगी, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ऐसा अपडेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास पुराना वाला एटीएम कार्ड है तो जल्दी से जल्दी उसको बदलवा लें, 31 दिसंबर 2018 तक हो सकता है आने वाले साल में आपको दिक्कत हो। और उसके अलावा अगर पुराने वाली जो चेकबुक है उसे भी आपको जल्दी से जल्दी बदलवा लेना चाहिए। अगला बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, मिड डे मील के तहत बच्चों को मिलेगा मोर फैट का डब्बा बंद खाना। जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों मिड डे मील के तहत आपके लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत मार्क फैट का डिब्बा बंद खाना मुहैया कराया जाएगा, इस तरह का अपडेट आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगली बड़ी खबर आ रही है, 1 जनवरी 2019 से उपभोक्ता खुद कर सकेंगे मीटर की रीडिंग, इससे तैयार होगा बिजली का बिल, ये एमपी रतलाम को लेकर अपडेट आ रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली कंपनी 1 जनवरी से सेल्फ मीटर रीडिंग सुविधा शुरू करने जा रही है। यानी कोई भी बिजली उपभोक्ता अपने मोबाइल से मीटर का फोटो लेकर कंपनी के एप्लीकेशन पर लोड कर सकेगा और इस आधार पर बिजली का बिल तैयार हो जाएगा। उपभोक्ताओं को जल्द बिजली का बिल मिले और वे संतुष्ट रहें, इसके लिए सुविधा शुरू होने जा रही है। तो ये इस तरह की खबर अपडेट आप देख सकते हैं। उसके अलावा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, सेवंथ पे कमीशन को लेकर, सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 1 जनवरी 2019 से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार सेवंथ पे कमीशन लागू कर देगी, स्क्रीन पर आप ये अपडेट देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आधार लिंक नहीं कराया तो 930 उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। ये तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक अपडेट है, अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी जल्द से जल्द अपना केवाईसी आधार नंबर कंप्लीट करना चाहिए। हो सकता है आपका गैस कनेक्शन ब्लॉक हो जाए तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराना जरूरी है। दोस्तों एक और नया नियम आप देख सकते हैं, अब तिहाड़ जेल में योग करना जरूरी है, 1 जनवरी 2019 से लागू होंगे नए नियम। जी हां, जेल के नए मैनुअल में योगा को अनिवार्य किया गया है और 1 जनवरी 2019 से लागू
लागू हो जाएंगे ऐसे नए नियम। योगा विचाराधीन और सजायाप्ता सभी कैदियों के लिए अनिवार्य होगा। बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की। पेपर बिल खत्म करने के लिए ट्राई ने आम जनता से मांगे सुझाव, पर्यावरण का दिया हवाला। जी हां, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने आपको कई सारे बड़े अपडेट्स दिए हैं। अभी रिसेंटली 35 रुपए के रिचार्ज को लेकर भी आप लोगों ने खबरें जानी थी। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ट्राई ने एक सार्वजनिक राय मांगी है और ट्राई पर कंसल्टेशन पेपर जारी करके सभी पक्षों से राय लेने के लिए 10 दिसंबर तक का समय दिया है। दरअसल यहाँ पे दोस्तों 2008 के नियमों के मुताबिक पेपर बिल लेना अनिवार्य है, लेकिन ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर में स्पष्ट किया है कि बिलों की छपाई में जो इस्तेमाल कागज है वो काफी मात्रा में पेड़ों की कटाई संबंधी पर्यावरणीय चिंताओं और स्मार्टफोन पर डेटा के इस्तेमाल में भारी वृद्धि के संदर्भ में बदल रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन आने से बिल चेक करना और ज्यादा आसान हो गया है, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी क्यों ना रख दी जाए जो पेपर बिल प्रिंट होता है उसको रोकने के बारे में जनता से राय मांगी गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस पे भी आपको अपडेट देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएनबी ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। इस तारीख के बाद बेकार हो जाएगी आपकी चेकबुक। जी हां, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और आप चेक से भुगतान करते हैं तो ये खबर आपको जान लेनी चाहिए। जनवरी 2019 के बाद पीएनबी ग्राहक नॉन सीटीएस कंप्लायंस चेक से भुगतान करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जनवरी 2019 के बाद इन चेकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में इन चेकों को डिसऑनर कर दिया जाएगा। जनवरी 2019 के बाद काम नहीं करेंगे ऐसे चेक, आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की। 1 जनवरी 2019 से शुरू होगा जियो का रेलवे प्लान। जी हां, यहां पे दोस्तों भारतीय रेलवे के देश भर के कर्मचारियों को रिलायंस जियो ने आपस में जोड़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल 1 जनवरी 2019 से भारतीय रेलवे के सभी सीयूजी नंबर एयरटेल के नेटवर्क से निकलकर रिलायंस जियो के नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सावधान हो जाएं, 1 जनवरी 2019 से ये कार्ड नहीं करेंगे काम। जी हां दोस्तों, ये अलर्ट आपको बार बार दिया जा रहा है और आपको ऐसे में पुराने वाला एटीएम कार्ड बैंक में जमा करा के नया वाला एटीएम कार्ड ले लेना ही ज्यादा बेहतर है। हो सकता है आने वाले समय में आपको एटीएम कार्ड से पैसे निकालने में दिक्कत आए, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी आप पुराने वाले एटीएम को चेंज करवा ही लीजिए, ऑनलाइन भी अप्लाई करके या फिर आप ब्रांच में जाके भी चेंज करवा सकते हैं। बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की। टाटा मोटर्स और फोर्ड की कारें 1 जनवरी से हो जाएगी इतनी महंगी, जानिए क्या है वजह। जी हां, टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया दोनों कंपनियां 1 जनवरी 2019 से आपकी कार की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। दोनों कंपनियों ने बताया कि लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है और ऐसे में ये जो कीमत है वो आप देख सकते हैं 2 से 2.5% तक इसके रेट बढ़ जाएंगे। बात करते हैं और बड़े अपडेट की। 1 जनवरी से ऑनलाइन बनेंगे अनुज्ञा पत्र। जी हां, मध्य प्रदेश उज्जैन को लेकर अपडेट है। शासन ने प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में 1 जनवरी 2019 से ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र बनवाने हेतु संभाग भर के कृषि मंडियों के लगभग 150 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया है। यानी 1 जनवरी से प्रदेश भर की सभी मंडियों में ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र बनाकर ही कृषि उपज का व्यापार व्यवसाय व्यापारियों द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की। 90% लोगों को मिलेगा 130 रुपए में 100 टीवी चैनल और ट्राई ने यहाँ पे एक स्पष्टीकरण जारी किया है। यहाँ पे दोस्तों ट्राई ने सफाई दी है कि देश में लगभग 90% लोग उन 100 टीवी चैनलों को देखते हैं जिनके लिए 130 रुपए मासिक किराया तय किया गया है। यानी शेष 10% लोगों को ही एक्स्ट्रा चैनल देखने पर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ट्राई ने अपनी खबरों पर सफाई दी है और जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी के बाद टीवी चैनल देखना काफी महंगा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्राई ने हाल ही में नए नियमों का ऐलान किया है जो 1 जनवरी 2019 से लागू हो जाएंगे। और इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 2019 से फ्री टू एयर चैनल दिखने बंद हो जाएंगे और हर चैनल का मंथली चार्ज तय कर दिया गया है। यानी ऐसे में दोस्तों फायदा तो यहाँ पे ग्राहकों को ही होने वाला है, जो लोग टीवी देखेंगे उनको। दोस्तों अगला बड़ा अपडेट है, क्या वापस होंगे जनता के पास बचे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट? सरकार ने दिया ये जवाब। जी हाँ, आप सभी को मालूम होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था 8 नवंबर 2016 को टीवी के माध्यम से और राष्ट्र के नाम संबोधन में आप सभी को ये जानकारी दी गई थी और एक समय सीमा भी दोस्तों हमें दी गई थी जिसमें हमें पुराने नोट है वो बैंकों में जमा करवा के नए नोट लेने थे। इसके बावजूद कई लोगों के पास अभी भी हो सकता है पुराने वाले नोट पड़े हो, तो उसको लेकर ये अपडेट है। सरकार ने मंगलवार को इस बात से इंकार किया कि चलन से बाहर हो गए जनता के पास बचे 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने पर विचार कर रही है। यानी सरकार का इस पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, ये क्लियर यहाँ पे बता दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, 29 से जितने चैनल दिखेंगे उन्हीं का देना पड़ेगा पैसा। केबल ऑपरेटरों ने प्रसारण बंद करने की दी धमकी। जी हां, ट्राई के जो नए नियम लागू होने वाले हैं वो 29 दिसंबर 2018 से लागू हो जाएंगे। इससे घर में डीटीएच या केबल टीवी पर उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क लगभग आधा होने की उम्मीद है। सामान्य घरेलू उपभोक्ता चाहे तो मात्र 130 रुपए में 100 चैनल देख पाएंगे, वो भी अपनी मर्जी के अनुसार। यानी कोई भी ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ग्राहकों पर जबरन पैकेज नहीं थोप सकेगी। देश भर में नियमों को लागू करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। ट्राई के नए नियमों के अनुसार 100 चैनल के लिए 130 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। इसमें ग्राहक की मर्जी के 65 फ्री टू एयर चैनल, दूरदर्शन के 23 चैनल, 3 म्यूजिक चैनल, 3 न्यूज चैनल और 3 मूवी चैनल शामिल होंगे। हालांकि इस मासिक 130 रुपए किराए पर जीएसटी का भुगतान अलग से करना होगा। उसके अलावा दोस्तों ये अपडेट आप देख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 24,000 रुपए, भेजेगी मोदी सरकार। यहाँ पे एक बड़ी खबर है जो राजस्थान पत्रिका की ओर से लगाई गई है और इसको आप सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं, गूगल रिजल्ट्स भी दिखाया जा रहा है। दोस्तों दरअसल ये जो योजना है वो बड़ी योजना है सरकार की और आप देख सकते हैं यहाँ पे आमतौर पर ज्यादातर लोग किसी सिनेमाघर में मूवी देखने जाने पर 200 से 300 रुपए हर व्यक्ति के हिसाब से खर्च कर देते हैं और अगर आप किसी होटल पर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी औसतन एक व्यक्ति पर आने वाला खर्च कम से कम 400 से 500 रुपए का
बैठ जाता है। ऐसे में दोस्तों ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम अमूमन अवॉइड कर जाते हैं और मालूम ही नहीं चलता है, जिससे हर आम इंसान महीने में कई बार यूज कर लेते हैं। यानी इतना खर्चा तो हम दोस्तों कर ही लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम ये कहें कि आपको महीने में सिर्फ एक बार 100 रुपए से भी कम खर्च करके सालाना 24,000 रुपए मिलेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये सत्य है और ये सिद्ध हो पाया है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है और उस स्कीम का नाम दोस्तों अटल पेंशन योजना है। इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी ले गूगल, यूट्यूब या ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.india.gov.in। इस पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले पाएंगे कैसे आपको यहाँ पे लाइफ टाइम तक पेंशन मिलती रहेगी, 24,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। तो ये कुछ खास अपडेट और अलर्ट थे हमारे सभी दोस्तों मित्रों फैमिली मेंबर्स के लिए। हाजिर होते को नई जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के लिए। आप लोगों ने अपना कीमती समय माय स्मार्ट गाइड के लिए निकाला। तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।